हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश में जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 गो क्वेश्चन रहता है और 5 गो उसमें से बनाना रहता है, उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने लगभग 7 क्वेश्चन बताए थे। आप नहीं देखे हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम लगभग ऐसे 5 प्रश्न बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि एक बार जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि जब हम इसको समझाएंगे अपनी लैंग्वेज में हिंदी में तो ये जो है हम सर्वनाश कर देंगे। तो पहले आप लोग जो क्लीन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, फिर जो है हम लोग इस पे जो है चर्चाएं करते हैं। चलिए, हमें जो है अब यकीन है कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करेंगे इसको समझने का। जैसे कि होता क्या है ना कि आपको हम मान के चलिए क्वेश्चन दे दिए, लिखवा दिए, आप रट के कुछ दिन तक याद रख सकते हैं, लेकिन जब हम समझाएंगे ना आपको वो लाइफ टाइम तक जो है याद रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू द स्पीकर। क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन कि व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू द स्पीकर, यानी कि फायर हिम्न जो है स्पीकर से क्या कहता है। क्वेश्चन यही है कि फायर हिम्न यानी आग का जो ज्वाला है ना वो लेखक से क्या कहता है। चले इसका आंसर जो है हम लिख देते हैं, लिखेंगे का लिखल हैले है, समझाएंगे सिर्फ। द फायर हिम्न सेड टू हिम, यानी कि आग की जो ज्वाला है ना फायर हिम्न, वो जो है स्पीकर से कहता है, सेड कहता है, दैट ही हैड फोर गिवेन हिम, यानी कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, एंड नाउ इट हैज़ टेकन ओथ, जो तुमने पाप किया था उसके लिए, उथ्स मीन्स जो है पाप, जो तुमने पाप किया था ना उसके लिए मैंने जो है तुम्हें माफ किया, एंड पार्डन हिम दिस टाइम फॉर सिन ही कमिटेड। और जो है यही जो है लेखक यहाँ पे जो है फायर हिम्न जो है लेखक से यही कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जो तुमने पाप किया था उसके लिए छोड़ दिया, और हिम दिस टाइम फॉर हिज सिन द कमिटेड, और मैं तुम्हें जो हूँ आगे अच्छा करने के बारे में कहूँगा, गलत काम नहीं करना, यही जो है आग कहना चाहता है। तो इसका जो है आंसर जो है 2 लाइन में है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें क्लियरली जो है दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2nd नंबर, हाउ डज किट पर्सनिफाई ऑटोमन इन द पोयम। हाउ डज किट्स पर्सनिफाई ई ऑटोमन इन द पोयम। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जॉन किट्स जो हैं, जो राइटर हैं ओड टू ऑटोमन के, उन्होंने अपने अनुसार शरद ऋतु को इस पोयम में कैसे दिखाया है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जॉन किट्स जो हैं उन्होंने अपने अनुसार इस पोयम में जो है कैसे दिखाया है शरद ऋतु को, ऑटोमन को, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, देखिएगा, जॉन किट्स यूजेस पर्सनिफिकेशन इन द पोयम, यानी कि जॉन किट्स ने जो है अपने अनुसार इस पोयम में, यानी कि ओड टू ऑटोमन पोयम में, पैरेलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सीजन, यानी कि सीजन के कॉन्सेप्ट को जो है उसने, ऑफ द ऑटोमन टू अ लिविंग बीइंग पॉसिबली ए ओमेन। अगर हम एक लाइन में हिंदी में समझाएं तो जॉन किट्स जो है ऑटोमन सीजन यानी कि शरद ऋतु को जो है इस पोयम में जीवित प्राणी के रूप में और खासकर महिला के समान जो है दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। यहाँ पे पैरेलिंग मतलब समांतर, कॉन्सेप्ट ऑफ द सीजन ऑफ ऑटोमन टू अ लिविंग बीइंग पॉसिबली, यानी कि एक जीवित प्राणी के रूप में दर्शाया गया है और खासकर महिला के समान जो है इस ऋतु को इस पोयम में जो है जॉन किट्स ने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 3rd नंबर, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन।
क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन। तो आंसर है आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडुलेंस बट ऑन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। इतना अंग्रेजी बोली थी हाँ, हमने नहीं लगा था कि तू लोग के समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमको भी तो समझाना है ना, चलिए इसको समझाते हैं। देखिए इसका जो आंसर है ना, अगर रियल में आप मेरे नोट्स में देखेंगे ना तो इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है कि आवर सिविलाइजेशन, ये आवर सिविलाइजेशन ऑपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, इतना ही आंसर था मेरा, ठीक है। नोट्स में देखिएगा तो इतना ही आंसर था। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर आप इतना छोटा छोटा लिखवाते हैं क्वेश्चन के आंसर, इनमें 2 नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारा लगता है कि आप लोग मास्टर से भी तेज हैं, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा घमंडी हो गए हैं, खिसिया के बोल रहे हैं, हमारा यही रहनुमा खराब लगता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आपके पिताजी का नाम का है तो हम दादाजी के नाम पहले बताएंगे, फिर परदादा के नाम बताएंगे, फिर पिताजी के नाम बताएंगे ना, आप लोग वही काम करते हैं। तो लीजिए अब की बड़का आंसर दिए हैं, ठीक है ना। देखिए अब की बड़का आंसर लिखते रहिएगा, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चरल आवर स्वराज डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ सेल्फ इंडुलेंस, यानी कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारा स्वराज जो है आत्म चाह पर निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंडुलेंस यानी कि आत्म चाह पे जो है निर्भर नहीं करता है। हमारा जो सभ्यता है ना ओपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल यानी कि आत्म त्याग पर निर्भर करता है। इतना बढ़कर ठीक है ना, क्वेश्चन यही पूछा था कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ओपन यानी कि हमारी जो सभ्यता है किस पे निर्भर करता है। तो हम यूँ तो लिख सकते थे आवर सिविलाइजेशन ओपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, लेकिन बड़का आंसर चाहिए, लिखिए बड़का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर। बड़के आंसर के चलते हम 8 गो क्वेश्चन पिछला बार लिखे थे लेकिन अब की 5 गो लिखे हैं, आपको बड़का आंसर चाहिए, देखते हैं कितना विद्वान है। चलिए हाउवर्ड चिल्ड्रेंस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुकेड आफ्टर। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बांग्लादेश में जो ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें चाचा चाची दादा दादी सब एक ही साथ रहते हैं, उसमें बच्चों का देखभाल कैसे होता है, चिल्ड्रेन का देखभाल कैसे होता है। एक और आंसर देखिए, चिल्ड्रेन आर रिगार्डेड एज गुड फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट चिल्ड्रेन स्पेशली बॉयज प्यूरोसाइट्स फिजिकल लेबर एंड कंट्रीब्यूट इन फैमिली बिजनेस। चलिए इसको समझते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है चिल्ड्रेन आर रिगार्डेड एज अ गुड फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, यानी कि बांग्लादेश में जो है ना बच्चे को एक अच्छे तरह से जो है पालन पोषण दिया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चिल्ड्रेन स्पेशली बॉयज़ यानी कि बच्चों में जो है स्पेशल जो बॉयज़ होते हैं प्यूरोसाइट्स फिजिकल लेबर, वो जो है बाहर काम करने जाते हैं, फिजिकली लेबर यानी कि बाहर काम करने जाते हैं, एंड कंट्रीब्यूट इन फैमिली बिजनेस, और वो जो है अपने परिवार का जो बिजनेस है व्यापार है उसमें मदद करते हैं। लेकिन डॉटर्स यानी बेटी लोग जो होती है ना स्टे एट होम, वो लोग जो है घर पे रहती हैं, एंड कंट्रीब्यूट इन हाउस होल्ड, और वो जो है घर की कामों में जो है हाथ बटाती है। कोर्स द यंग चिल्ड्रेंस, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको जो है देखभाल करने का काम जो है डॉटर्स यानी बेटियों का ही होता है। आर लुकेड आफ्टर बाई द ग्रैंड पेरेंट्स एंड लेडीज ऑफ द हाउस, और बच्चों का देखभाल बेटियों के अलावा जो है ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और जो है घर की महिलाएं होती हैं वो ख्याल रखा करती हैं बच्चों का। एक ज्वाइंट फैमिली बांग्लादेश की ये बातें हैं, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, ये भी देख लीजिएगा, अभी जो है इंग्लिश पे पार्ट 3 आएगा पार्ट 4 आएगा, लगभग जो है कम से कम 30 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।
What does Martin Luther King Jr. urge his people to do? What does Martin Luther King Jr. urge his people to do? यानी क्वेश्चन यही कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, तो देखिए, यस आई थिंक मार्टिन लूथर किंग, अगर एक आंसर हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि इतना छोटा दो नंबर मिलेगा कहाँ से. बस एक आंसर ऐजा से था, देख रहे हैं ना ऐजा. मार्टिन लूथर किंग अर्जेड हिज पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम राइट्स एंड जस्टिस टू द नेग्रोज. बस इतने आंसर था, आपको बड़का आंसर चाहिए. काहे कि दो नंबर आपको तो मिलेगा नहीं. काहे कि आपसे अगर पूछल जाएगा बाबू के नाम तो बताएंगे आप दादा के, फिर मौसा के, सबके बताएंगे, फिर बाद में बाबू के बताएंगे. कहते हैं कि किसी आते हैं काहे यही बात पे. अरे जितना ज़्यादा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना उसी का आंसर देंगे. आपको बड़ा आंसर चाहिए, लीजिए बड़ा आंसर ना. यस आई थिंक मार्टिन लूथर किंग ए ग्रेट ओरेटर. हाँ, मेरे अनुसार मार्टिन लूथर किंग जो हैं एक अच्छे वक्ता हैं. ग्रेट ओरेटर, आई थिंक ए ग्रेट ओरेटर इज ए स्पीकर. और एक ग्रेट ओरेटर, एक अच्छे वक्ता ही जो है एक अच्छा जो है स्पीकर बनता है. स्पीकर मीन्स जो होता है ना वक्ता ही होता है. हु हेल्ड अप द एक्साइटमेंट, और वो जो है हमेशा कुछ सीखने की जो है चाह रखता है. ऑफ लिसनर एंड इन्फ्लुएंस देयर माइंड से, और जो अच्छा वक्ता होता है वो अपने श्रोताओं को जो सुनता है उसको, और जो उनके जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो ग्राहक भी कह सकते हैं ना, उनको हमेशा जो है उनके माइंड को जो है पढ़ने का काम करता है. ए ग्रेट ओरेटर हैज़ द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग लिसनर्स. और एक ग्रेट ओरेटर यानी कि एक अच्छे वक्ता में जो है एक क्वालिटी होती है कि वो अपने श्रोताओं को जो है दे, वो अपने श्रोताओं के हार्ट यानी कि दिल के साथ जो है जुड़ा हो. अबाउट द टॉपिक, और टॉपिक के साथ भी. बस ये अफवाह में था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बनाने के लिए हमने इतना लिखा है. क्वेश्चन से रिलेट है, बड़ा बना के आइए मेन आंसर यहाँ से. मार्टिन लूथर किंग अर्जेड हिज पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम राइट्स द जस्टिस टू द नेग्रोज. यानी कि कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि फाइट फॉर द फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, राइट्स अपने अधिकारों के लिए लड़ो, जस्टिस फॉर द नेग्रोज, और नेग्रो के जो है पहचान के लिए लड़ो. इतना ही तो कहना चाहते हैं. अभी पाँच को क्वेश्चन पे जो है अपनी राय सलाह जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा. हमें जितना समझ में आता है, हमें जो हमारी जवान पे बातें आती हैं वो हम फ्रैंकली कह देते हैं आपसे. यही बात हमरो खराब लगता है कि हम सब बात आपसे कह देते हैं और आप उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है ना. वीडियो खराब लगल है छोड़ दीजिएगा, अच्छा लगल है शेयर कीजिएगा. वीडियो देखें, धन्यवाद.